फ्रेंड्स, आज हमारे अनोखा किचन में बन रहा है भिंडी के भुजिया सब्जी। बहुत ही टेस्टी बनता है, झटपट बन के रेडी हो जाता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर रेसिपी आप सबको मिलती रहे। देखिए, भिंडी को मैंने छोटा छोटा टुकड़ा में काट ली हूँ। इसको अच्छे से पहले भिंडी को धुली थी, इसको अच्छे से थोड़ा सुखा के काट ली हूँ। पानी थोड़ा थोड़ा सूख गया था। तो देखिए, चार पांच मिर्ची ली हूँ, इसे टुकड़ा में काटी हूँ। छः सात कली लहसुन का ली हूँ, उसे भी छोटे छोटे काट ली हूँ। कढ़ाई रखती हूँ, तेल डालती हूँ, थोड़ा तेल को गर्म होने देती हूँ। गैस हाई फ्लेम पे रखती हूँ। पहले लहसुन डालती हूँ। लहसुन जरूर डालिए, लहसुन से भिंडी की भुजिया में स्वाद बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा दो सेकेंड तीन सेकेंड के लिए लहसुन को भून लूँगी थोड़ा सा, फिर मिर्च को डालूँगी। देखिए, अब मिर्च को डाल दे रही हूँ। इसे भी थोड़ा सा चलाऊँगी। देखिए, हमारे लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे भिंडी कटे हुए डाल दे रही हूँ। इसको अच्छी तरह से चलाऊंगी। गैस को मीडियम आंच पे कर देती हूँ। भिंडी को ढकूंगी नहीं, इसे चला चला के फुलाई भूलूंगी। भिंडी को ढकने से चिपचिपा लगने लगता है। में भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसे अच्छी तरह से चला देते हैं। अब गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे। देखिए, हमारी भिंडी भून रही है। देखिए, गैस को बंद करती हूँ। हमारी भिंडी भून के रेडी हो गया है। इसे निकाल लेती हूँ। बहुत झटपट से भून जाता है। बच्चों के टिफिन के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छी है। बच्चे भी बहुत पसंद से खाते हैं इसे, भिंडी भुना हुआ। रोटी या पराठा के साथ आप टिफिन में डाल सकती है बच्चों के लिए। आप सब भी बनाइए, ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप सबको हमारी रेसिपी कैसी